students, let's see our third chapter from Anishakar Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. तो एक young woodcutter जिसका नाम Taro था वो अपने मम्मी पापा के संग जो है एक हिल साइड पर रहता था और वो पूरे दिन जो है लकड़ियाँ काटा करता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी. वो बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करता था लेकिन पैसे वो कम कमा पाता था. ही अर्न वेरी लिटल मनी, बहुत कम ही पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और एक तरह से जो है वो बहुत ही उदास रहता था क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार सन था अपने पेरेंट्स का और वो अपने और पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जो उन्हें चाहिए थी. ऑन इवनिंग व्हेन Taro एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. तो एक शाम की बात है जब Taro जो है अपने पेरेंट्स के संग अपने घर की साइड पर बैठा हुआ था कॉर्नर में और तभी जो है एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो चलने लगी. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. तो जो हवा चली ना तो उससे क्या हुआ जो क्रैक्स जो थे घर के अंदर हर्ट के अंदर वहाँ से जो है एक विसल यानी कि एक तरह से हवा जो है वो पास हो रही थी और पास होने की वजह से जो है ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आवाज़ हो रही हो और उस रीज़न से क्या हुआ कि उन लोगों को ठंड लगने लगी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sick. It would warm me and do my old heart good. तभी उनके फादर जो है Taro को उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास जो है कप ऑफ शेक होता. कप ऑफ शेक मीन्स एक पॉपुलर जो है जापानीज ड्रिंक होता है और वो क्या करता है एक तरह से अगर वो पिया जाए तो वो एक तरह से ठंड के समय पे जो है गर्मी देता है. तो उसके फादर वही कह रहे थे कि काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता तो वो मुझे गर्म कर देता. दिस मेड Taro सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो Taro का दिल जो था वो बहुत ही सैड हो गया. वो ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि वो जो शेक जो आता था ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब मैं ज़्यादा मनी कैसे कमा सकता हूँ, पैसे कैसे ज़्यादा कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने पुअर फादर के लिए यानी कि मेरे जो फादर जो ओल्ड हैं उनके लिए मैं वो लिटल शेक कैसे लेके आ सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर. तो उसने डिसाइड किया कि वो अब सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे ज़्यादा वो वर्क हार्ड करेगा जितना वो पहले नहीं किया करता था. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. तो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, Taro जो है जल्दी उठ गया जैसे वो एज यूजुअल टाइम पे उठा करता था, उससे ज़्यादा जल्दी उठ गया और वो फिर फॉरेस्ट में चला गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. तो वो चॉप करने लगा, फिर काटने लगा लकड़ियाँ, फिर वापस से चॉप करता, फिर से लकड़ियाँ काटता. वो जैसे जैसे सूरज उसके ऊपर आने लगा तो उसे गर्मी लगने लगी तो उसने अपना जैकेट जो है उतार दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. तो उसका जो गला जो है वो सूख गया था और पूरा फेस जो है वो पसीने से गीला हो चुका था. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. तो वो सोचने लगा कि मेरे जो ओल्ड फादर जो है जितना अभी मैं वार्म हूँ तो वो भी तो उतने ही वार्म होंगे ना. एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स. तो उसके बाद जो है वो वापस से लकड़ियाँ काटने लगा बहुत ही फास्ट, क्या सोचते हुए, ताकि वो एक्स्ट्रा मनी जो है वो अर्न कर सके और वो जो शेक जो है वो अपने फादर के लिए वो बाय कर सके, खरीद सके.
देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, उस पर टैरो ने सडनली जो है चॉपिंग करना बंद कर दिया. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? सडनली उसने ये सोचा कि ये कौन सा साउंड है जो उसे सुनाई दे रहा है. कुड इट पॉसिबली बी वॉशिंग वाटर? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ पानी जो है वो गिर रहा है कहीं पर? टैरो कुडंट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो टैरो जो है उसने कभी भी ऐसा रिमेंबर दैट मीन्स कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ देखा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रीम होगा फॉरेस्ट में जो कि गिर रहा होगा. ही वॉज थ्रस्टी, वो बहुत प्यास सा था, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. एक्स यानी कि जो उसके बाद जो कुल्हारी थी उसने उसको नीचे रखा, अपने हाथ को उसने अपने हाथों से गिरा दी और उसके बाद फिर वो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वो उस जगह भागने लगा, चलने लगा उस जगह. टैरो सो अ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हाइडन बिहाइंड अ रॉक नेलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली. तो टैरो जो है उसने देखा कि एक वाटरफॉल हो रहा है जो कि रॉक के बिल्कुल बिहाइंड में है. वो प्लेस कैसा था कि जो पानी जो गिर रहा था ना बहुत ही क्वाइटली गिर रहा था यार, और उसके जो आवाज़ जो थी वो इतनी क्वाइट थी कि जल्दी किसी को पता नहीं चलता था. ही कप अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो उसने अपने हाथों को ना कप की तरह बना लिया और फिर उसने उस पानी को पीना शुरू किया. वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट सिक, क्या ये सिक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. तो वो वापस उसको टेस्ट करने लगा. एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सिक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो उसे जो है स्वाद जो है उसका वो डिलीशियस लगने लगा उस सिक की तरह, ना कि ठंडे पानी की तरह. टैरो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. तो उसने क्या किया कि उसके पास जो एक लार्ज मग जो था, पिक्चर यानी कि एक मग होता है पॉट टाइप, उसमें वो पानी भर लिया और वह सीधा अपने घर की ओर निकल गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सिक. और फिर वो जो है उसने पानी अपने फादर को दिया और उसके फादर को वो बिल्कुल एक सिक की तरह लगा जो उनको पीना था. आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप सेविलिंग एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लो. तो उसके बाद वो जो है वो लिक्विड पीते गए, वो फिर रुके और थोड़ी देर के बाद फिर वो फ्लोर पे जो है डांस करने लगे, क्योंकि उन्हें अब उतनी खुशी मिल रही थी कि उन्हें वो जो सेक चाहिए था वो मिल गया था. दैट आफ्टरनून नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट. टैरो स्वालो पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द सेक. दोपहर की बात है, जब उनके नेबर जो थे, उनके पड़ोसी जो थे, वो विजिट करने के लिए वहाँ पर रुक गए, तो टैरो के फादर ने उन्हें पोलाइटली एक जो है कप ऑफ सिक जो है वो ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन. तो उस लेडी ने उसको पिया जैसे कि उसे और चाहिए था, उसका डिज़ायर बढ़ता गया. फिर उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला उसको. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. उसके बाद टैरो ने जो है स्टोरी बताई उस मैजिक वाटरफॉल की उस अपने जो उसकी जो पड़ोसी थी उनको, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी. थैंक यू कहकर जो डिलीशियस जो ड्रिंक दिया था उसको तो उस पर उसने थैंक यू कहा और उसके वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई. बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात होते होते उसने ये जो सारी की सारी जो स्टोरी थी वो पूरे विलेज में बोल डाली, उसने सब कुछ बता दिया कि वहाँ पे एक टैरो ने जो है एक मैजिक वाटरफॉल देखा है, वहाँ से जो पानी है वो एक डिलीशियस शेक की तरह आता है और वो ठंडा पानी नहीं है और उससे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग है. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house.
और फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन जो है शाम को वुड कटर के घर पे बहुत सारे लोग आ गए. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द थिंग. तो हर कोई जो है वो स्टोरी उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनता रहा और फिर वो एक एक सिप जो है सिप का वो पीता रहा. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. और उसके बाद जो उनका जो पोट जो था जिसमें वो पानी था वो पूरा का पूरा खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटर फॉल. नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, टैरो जो है वापस अपने काम के लिए जल्दी उठ गया, बहुत ही जल्दी. जितना नॉर्मल वो मॉर्निंग में उठा करता था उससे ज़्यादा जल्दी उठ गया. और उसने जो राजेश जो पिक्चर था जो पोर्ट जो था उसको कैरी किया और फिर उसने प्लान बनाया कि वो वाटरफॉल की तरफ जाएगा. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ उसे सरप्राइज हुआ ये देख के उसके जितने भी पड़ोसी जो थे आसपास के गाँव के वो सब के सब वहाँ पहुँच चुके थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स जार्स बकेट्स एनी थिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सिप. तो वो लोग जो है पिक्चर्स यानी कि जो लार्जेस्ट जो पोट होता है वो लेकर जार है बकेट है जो भी उनके पास था वो लेकर वहाँ पहुँच गए थे ताकि उस मैजिक सिप को वो ले जा सकें. देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटर फॉल टू ड्रिंक. तब उसमें से एक विलेजर ने जो है अपना मुंह जो है यानी कि पानी पीने के लिए उसने उस वाटरफॉल की तरफ रखा. ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली. तो उसने वो पानी पिया फिर वापस से पिया और फिर जोर से गुस्से में आकर उसने वो चिल्लाया वाटर नथिंग बट वाटर पानी और ये पानी के अलावा और कुछ नहीं है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर. लेकिन जब बाकियों ने भी वो पानी पिया तो उन्हें वो सेक नहीं लगा सिर्फ ठंडा पानी लगा. वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि हमें जो है उल्लू बनाया गया है और सब जो है विलेजर्स चिल्लाने लगे. वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ पर है. लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटर, उसको इस पानी में ही डुबा देते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग. ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड. टैरो जो है एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है देख रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है क्योंकि वो गलत नहीं था. और उसके बाद जो है वो वहाँ से चला गया. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और उसके बाद बोलते बोलते गुस्से में वो लोग जो है disappoint हो गए villagers और एक के बाद एक वो वहाँ से चले गए. Taro come out from his hiding place. Was it true? He wondered. टैरो जो है फिर वो जहाँ से छुपा हुआ था वो वहाँ से निकल कर आया और उसके बाद फिर वो सोचने लगा क्या जो मैंने सोचा था वो सही था. वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या ये जो सेक जो था वो क्या सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो वापस उसे क्या किया कि अपना हाथ जो है वो उसमें पानी जो वाटरफॉल जो हो रहा था उसमें डाला और उसमें से उसने थोड़ा पानी पिया. इट वॉज द सेम फाइन सेक, और वापस उसे वो फाइन सेक की तरह लगा. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. तो क्योंकि एक वो आदर्श बेटा था इसलिए उस मैजिक वाटरफॉल ने उसे वापस से डिलीशियस सेक दिया. टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी लोगों को उसने सिर्फ ठंडा पानी दिया था. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. तो टैरो की ये स्टोरी और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जो है वो जापान के राजा तक पहुंच गई. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. तो उन्होंने उस
जो यंग वुड कटर है उसको वहाँ पे बुलाया और उससे जो है 20 pieces ऑफ गोल्ड जो है दिए, उसको रिवॉर्ड किए, उसको प्राइस में मिले, क्योंकि वो बिल्कुल आदर्शवादी था और बिल्कुल सच्चा था वो। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और उसके बाद जो वाटरफॉल वाला जो फाउंटेन था ब्यूटीफुल, उसको उस सिटी को जो है उन्होंने टैरो का नाम दे दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एंकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और उसके बाद वहाँ के जो राजा जो थे उन्होंने हर एक बच्चे को एंकरेज किया कि वो अपने पेरेंट्स को जो है सम्मान दे और उनको हमेशा आदर दे। तो ये थी स्टोरी टैरोस रिवॉर्ड, जहाँ पे टैरोस को जो है वाटरफॉल जो है वो शेक की तरह लगता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ग्रीडीनेस नहीं थी, दैट मीन्स कि उसके अंदर किसी तरह का भी कोई पाप नहीं था, वो जो था वो बिल्कुल सही था। लेकिन बाकी लोग जो गए थे वहाँ पे पानी लेने, तो उनके अंदर लालच जगा हुआ था, उस लालच की वजह से जो है उन्हें वो सेक जो है वो ठंडा पानी की तरह ही लगा, नॉर्मल वाटर जैसा लगा। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।